हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स साइंस के चैप्टर फर्स्ट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर की हेडिंग है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान की अद्भुत दुनिया। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हों, वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जीवित हो, अजीवित हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो यानी बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, डिजर्ट हो, किसी चीज़ का छोटे से छोटा पार्टिकल्स हो, अर्थात हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हों, वो छोटी हों या बड़ी हों, सभी में साइंस है। सभी को साइंस के द्वारा ही समझा जा सकता है। जब हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में साइंस ही साइंस है, तो ये आवश्यक है कि हम जानें कि साइंस है क्या। इस चैप्टर में आपको यही समझाया गया है, व्हाट इज़ अ साइंस। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ह्यूमन बींग्स के रूप में, इंसानों के रूप में, हम हमेशा अपने सराउंडिंग के बारे में उत्सुक रहे हैं, क्यूरियस रहे हैं, जो भी देखते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। हम बचपन से ही अपने सराउंडिंग को खोजना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्कूल के शुरुआती दिनों में क्या आपको आपकी दुनिया के चारों ओर उसे खोजने में, उसे तलाशने में मज़ा आया, आपने इंजॉय किया। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। जैसे ही आप मिडिल स्टेज में एंटर करेंगे, हम इस फैसिनेटिंग जर्नी यानी आकर्षक यात्रा को जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। जिस खूबसूरत दुनिया में हम रहते हैं उसे एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और ये सब जानने के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है, साइंस। वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आपका स्वागत है, विज्ञान की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। ये सब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक आपके पास, यानी फिफ्थ क्लास तक आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं था, आप ईवीएस पढ़ते थे। सिक्स क्लास से आप नया सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे, इसलिए आपका जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ अ साइंस, साइंस क्या है। सबसे पहले तीन चीज़ें समझेंगे, ओरिजिन ऑफ साइंस, साइंस वर्ड कहाँ से आया, फुल फॉर्म ऑफ साइंस, साइंस का फुल फॉर्म क्या है, और व्हाट इज़ अ साइंस, साइंस किसे कहते हैं। ओरिजिन ऑफ साइंस वर्ड, इट ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। साइंस वर्ड लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है या लिया गया है, जिसका अर्थ है नॉलेज यानी ज्ञान या विज्ञान। चलिए इसकी फुल फॉर्म को देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ साइंस, सिस्टमेटिक कंप्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल causes and effect is the full form of science. S for systematic, C for comprehensive, I for investigation, E for exploration, N for natural, C for causes and E for effect. What is a science? Science is a system of observations and experiments used to gain knowledge about how the universe works. Science, observation और एक्सपेरिमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज़ करके हम इस तरह का नॉलेज गेन कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स, हमारी दुनिया किस तरह से वर्क करती है, अर्थात हमारी दुनिया में रहने वाले लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से मिलकर के काम करते हैं। बुक में डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी हुई है, साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, अवलोकन करने के लिए, उनकी चीज़ों को समझने के लिए साइंस एक तरीका है, एक वे है।
अर्थात साइंस के द्वारा ही हम अपने चारों ओर की चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। हम प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का पता लगाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, अर्थात किसी चीज़ को जानने की ललक। इस वर्ष से आपकी बुक का नाम रखा गया है, उसको टाइटल दी गई है क्यूरियोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि जानने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, चाहे रेत के पार्टिकल्स हों, बड़े बड़े विशाल माउंटेन हो, पहाड़ हो, घास की पत्ती हो, या फिर बड़ा फॉरेस्ट जंगल। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार शाइन। क्या आपने रात में आकाश में चमकते हुए तारों को देखकर सोचा कि ये क्यों चमकते हैं, और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू विन, और किसी फूल को खिलते हुए देखा और सोचा कि ये कैसे जानता है कि इसे खिलना है, ओपन होना है। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस। तारे रात में आकाश में कैसे टिमटिमाते हैं, फूल कैसे खिलता है, ये उन रहस्यों में से एक है जिसे साइंस सुलझाने का काम करता है। साइंस की आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि ये हर जगह है, चाहे वो समुद्र की ओशन की गहराई हो या बाहरी अंतरिक्ष की विशालता। ये एक माउंटेन रीजन दिखाया गया है, यहाँ पर भी साइंस है। ये एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, यहाँ पर भी साइंस है। और ये है एक कोस्टल एरिया, एक तट है, यहाँ पर भी साइंस है। कहने का अर्थ है कि यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा, वो छोटा हो, बड़ा हो, सूखा हो या गीला हो, सब जगह साइंस है। फ्रॉम वॉट इज कुकिंग इन द किचन टू वॉट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। रसोई में क्या पक रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइंस कुछ ऐसी जगहों से भी पता चलती है जो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस होते हैं। ये समुद्र का अंडर वाटर सीन है, यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हैं। इनके बारे में इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा ही इकट्ठी की जा सके, और साइंस के द्वारा ही आप इनके बारे में जान सकते हैं। ये एक गैलेक्सी का सीन है, यहाँ पर सन है, प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे स्टार्स हैं। यहाँ पर कब क्या कैसा हुआ ये साइंस के द्वारा ही पता लगाया गया, और कब क्या कैसा होगा ये साइंस के द्वारा ही पता लगाया जाएगा, और इनके बारे में आप नॉलेज साइंस के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस इज़ द लाइक जायंट एंड अनएंडिंग जिग्सो पजल। साइंस एक विशाल और कभी ना ख़त्म होने वाली पहेली की तरह है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल। हमारी हर नई डिस्कवरी, आविष्कार इस पजल में एक नए पीस को ऐड करती है, जोड़ती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। आप जानते हैं इस पहेली के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, हम जो खोज सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि नॉलेज का हर पीस, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं, वो अधिक क्वेश्चन करने के लिए होता है और अधिक चीज़ों को फाइंड करने के लिए होता है। वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह से इस पजल में किसी पीस को रॉन्ग जगह रख दिया जाए तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ से मूव कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से
जब किसी चीज़ की नई डिस्कवरी होती है तो उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बदल जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब उनकी डिस्कवरी की गई तो उसके बारे में अलग नॉलेज प्राप्त हुआ, लेकिन जब बाद में उनकी डिस्कवरी की गई, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग प्राप्त हुई। नई खोजें उस चीज़ के लिए हमारी समझ को बदल देती हैं। जैसे जैसे आप बुक को पढ़ेंगे, आप जानेंगे, आप समझेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी आवश्यक हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विथ द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक की सहायता से, इस किताब की सहायता से हम क्या खोजेंगे? वी विल स्टार्ट ऑफ बाई लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम अपने घर अर्थात पृथ्वी को देखकर शुरुआत करेंगे। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। ये एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसमें जीवन है, और इसमें एक ऐसा एनवायरमेंट है, वातावरण है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट। पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर बहुत सारी आश्चर्यचकित कर देने वाली लाइफ है, जीवित चीज़ें हैं। प्लांट और एनिमल्स डिफरेंट रीजन्स में अपने आप को सर्वाइव करते हैं और फूलते फलते हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इंटू अ प्लांट, अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इंटू अ बटरफ्लाई। क्या आपने बीज से पौधे को निकलते हुए देखा है, कैटरपिलर से सुंदर सी खूबसूरत सी बटरफ्लाई बनते हुए देखा है? इस तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं। ये पौधे और एनिमल्स किस तरह से ग्रो करते हैं? क्या आपने बीज से इस तरह से किसी पौधे को निकलते हुए देखा है, और क्या आपने कैटरपिलर से सुंदर सी बटरफ्लाई बनते हुए देखा है? इस तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे किसी एनिमल का बेबी को बर्थ करना, उसे फीडिंग कराना। ये सब साइंस है और साइंस के द्वारा ही संभव है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, एंड एस्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्विजिन्स विथ देयर मैनी टेस्टी डिशेज। व्हाट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट। बेशक हमें बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भारत जैसे बड़े और विविधता पूर्वक देश में फूड एक फैसिनेटिंग चीज़ है, यानी आकर्षित करने वाली चीज़ है। पूरी कंट्री में हमारे पास तरह तरह के व्यंजन हैं, तरह तरह की टेस्टी डिशेस के लिए। क्या आप जानते हैं ये कैसे बने हैं, हम इसका पता कैसे लगाएंगे? हमारे देश में तरह तरह के टेस्टी व्यंजन हैं, टेस्टी फूड्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के फूड मटीरियल से बनते हैं। ये फूड मटेरियल्स के बारे में हम साइंस के द्वारा ही जान सकते हैं। ये कैसे बनते हैं, इनका पता हम साइंस के द्वारा ही लगा सकते हैं। इतनी स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि यूनिवर्स में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, यूज़ करने की चीज़ हो, देखने की चीज़ हो, हर जगह साइंस है और हर कुछ साइंस है। इस वीडियो में यहीं तक, पार्ट टू वीडियो में आगे के मैटर को डिस्कस करेंगे। This is the end of video. Thanks for watching.